जिले की एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाया है कि ज्योति मौर्य जहां एक तरफ एसडीएम बनी, इतने शानदार पद तक वह पहुंच गई, वहीं दूसरी ही तरफ आलोक मौर्य का साथ छोड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में वह आ गई और देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मनीष दुबे के साथ अब उनका चल रहा है। आलोक मौर्य ने तमाम दावे किए हैं और ऐसे में देखा जाए अब ये मामला प्रयागराज के फैमिली कोर्ट पहुंच चुका है। इसी बीच देखा जाए तो तमाम राज भी खुल रहे हैं। ना सिर्फ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी टूटने की कगार पर पहुंची है, बल्कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की शादी भी। अब तक यहां पर मालूम नहीं था कि मनीष दुबे शादीशुदा हैं या फिर नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हुई और मनीष दुबे शादीशुदा निकले। अब देखा जाए तो मनीष दुबे की जो पत्नी है तनु पराशर, वह भी तमाम खुलासे कर रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मनीष दुबे पर अब आदेश दे दिया गया है, मनीष दुबे को सस्पेंड करने, तो वहीं साथ ही साथ ज्योति मौर्य को भी बर्खास्त करने की मांग उठ गई। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि ना सिर्फ ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का मामला कोर्ट तक पहुंचा, बल्कि मनीष दुबे की पत्नी और मनीष दुबे के बीच भी अब तलाक होने जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो मनीष दुबे की पत्नी ने तमाम राज खोले हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि मनीष दुबे अच्छे इंसान नहीं है, कई बार वह महिलाओं के संपर्क में आए हैं और महिलाओं के साथ उनका व्यवहार काफी बेकार रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में आलोक मौर्य ने बातचीत की मनीष दुबे की पत्नी से और उस दौरान मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी का कहना रहा कि मुझे पता था कि मेरे पति मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य का अफेयर है। उनका कहना रहा कि मनीष एक अच्छा इंसान नहीं है, वह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि मनीष दुबे की शादी लखनऊ स्थित आर्य समाज मंदिर में 5 अगस्त 2021 को तनु पराशर के साथ हुई। तनु पराशर और मनीष दुबे की यह शादी लव मैरिज रही है, लेकिन अब देखा जाए ये लव मैरिज टूटने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि आर्य समाज मंदिर के जनरल सेक्रेटरी संकल्प मिश्रा के मुताबिक मनीष शादी करने के लिए तनु पराशर के साथ आए थे और उस दौरान उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए थे। हमने पूरे विधि विधान के साथ आर्य समाज में उनकी शादी करवाई। मनीष दुबे की तरफ से एक गवाह और उनकी पत्नी का एक गवाह शादी में शामिल हुआ था। वहीं आलोक मौर्य ने बताया कि पति पत्नी के बीच बहस होती रहती, लेकिन किसी तीसरे शख्स की वजह से मेरा परिवार टूट गया, आज सब कुछ खत्म हो गया। आलोक मौर्य का कहना रहा कि हमारी शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई। शादी के बाद ज्योति अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, मैंने उसका साथ दिया। 2015 में उसने परीक्षा पास की और अधिकारी बन गई। कम वेतन होने के बावजूद मैं ज्योति की शिक्षा में हर संभव मदद की। 2010 में शादी हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ज्योति का मनीष के साथ अवैध संबंध ने सब कुछ खराब कर दिया। वहीं दूसरी ही तरफ मनीष दुबे को लेकर आलोक मौर्य का कहना रहा कि मैंने ज्योति का मनीष से बात करने का विरोध किया, लेकिन वह नहीं मानी। स्थिति तब और खराब हो गई जब 2021 में मुझे ज्योति के मोबाइल फोन पर उनकी चैट मिली और जिसमें उन्होंने एक दूसरे से शादी करने की इच्छा भी जाहिर की। अब देखा जाए यहाँ पर आलोक मौर्य ने ये तमाम बातें कही और साथ ही साथ यहाँ पर अहम फैसले भी सुनने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर मनीष दुबे की जो पत्नी है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, उन्होंने खुलासा किया है खुद कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का अफेयर चल रहा था, ये बात उन्हें पता थी। लेकिन खाकी के दम पर क्या वाकई में मनीष दुबे उन्हें डराते धमकाते थे? दरअसल आपको बता दें कि ज्योति मौर्य के वकील आदित्य सिंह ने भी तमाम खुलासे किए, तो वहीं आलोक मौर्य के जो वकील हैं लाल मौर्य, उनका कहना रहा कि खाकी के दम पर अपनी पत्नी को डराते धमकाते वह रहे हैं और ऐसे में महिला संगठन अगर ज्योति मौर्य के समर्थन में हैं तो उन महिला संगठनों को अब तनु पराशर के समर्थन में भी होना चाहिए। देखना यही होगा कि आखिरकार योगी सरकार के नेतृत्व में इन तीनों पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि ज्योति मौर्य साफ कह चुकी हैं कि कुछ प्राइवेट फोटोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं जो व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया आलोक मौर्य ने, कहीं ना कहीं अब वह इन तमाम चीजों को वायरल कर सकता है। में कड़ा एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। इस पूरे ही मामले पर आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।